सो गुड मॉर्निंग, कैसे फ्रेंड्स? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे। मैं आपको दोस्तों करते हैं नई वीडियो शायद नए दिन के साथ। नहीं, काफ़ी दिनों बाद वीडियो की शुरुआत हो रही है क्योंकि काफ़ी इधर उधर मैं बिजी था। काजल ने भी ट्राई किया था, काजल ने भी वीडियो बनाई थी दो तीन आप लोगों के लिए जब वो शिरडी गई थी। उसके बाद फिर करवा चौथ में भी उसने वीडियो बनाई थी, लेकिन मुझे अब मौका मिल रहा है कि अभी मैं थोड़ा फ्री हूँ और मैं हूँ अभी यमुनानगर में। और आज है दिवाली, जैसे कि आपको पता है, और 13 नवंबर को आज आता है काजल का बर्थडे। और ये आ गई है मैडम, तो ये बर्थडे के लिए रेडी है अपनी, बर्थडे के लिए दिवाली। तो हमेशा से ऐसा रहा है कि इसको पूरे साल में कुछ भी इसके लिए इतना ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है जितना उसका बर्थडे उसके लिए। तो बर्थडे का उसके अलग, बर्थडे के लिए उसकी एक्साइटमेंट टॉप लेवल में अलग अलग लेवल में चली जाती है। तो फिर इसलिए हमेशा से ही मैं स्टार्टिंग से शुरू कर देता हूँ कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ। इस बार भी मुझे ऐसा कुछ पता नहीं कि हमें करना क्या है इसके बर्थडे में। और 8 तो बज गए, 4 घंटे रह गए इसके बर्थडे आने में। तो आप भी देखना कि काजल की बर्थडे की जर्नी कैसी रही। दिवाली गर्ल्स, आज किस ओकेजन में वैसे मतलब रेडी हो रहे हो? दिवाली है। हैप्पी दिवाली जी। ठीक है, हाँ जी, हाँ। तो ये तुम अपने बर्थडे का रेडी हो रहे हो या फिर कल के लिए? अब कल तक मेकअप नहीं उतरेगा? कल का भी मेकअप यहीं से? रात को सो के, नहीं रात को सोएंगे नहीं। ये हमारी माता रानी, सोना का, सोने का हार। अब हम आए हैं हमारे गली के मंदिर में, शिव मंदिर। पहले आज शनिवार है तो शनिदेव जी की थोड़ी पूजा होगी, दिए जलाएंगे मंदिर में घर के बाहर। ये हमारे सामने माता रानी, जय हो। अब हम अपने घर में लक्ष्मी माता की और गणेश जी की पूजा कर रहे हैं। दिवाली पूजा बैन कर रखी गवर्नमेंट ने, बैन है। और कुछ भी अभी तो वैसे कुछ प्लान ऐसा था नहीं कि क्या करे क्या ना करे। तो घर में जितने जो भी इंस्ट्रूमेंट्स थे बजाने के लिए नहीं आता क्या? हाँ, घर में किसी इंस्ट्रूमेंट ऐसे बजाने थे, जितने भी इंस्ट्रूमेंट थे वो ले आए। अब देखो कौन क्या बजाता है। तो क्या बजाएगा भाई? मैं गाऊंगा ना। पियानो तो आता है मौर्य को बजाना, मौर्य सो गया है तो अभी भाई सीख रहा है पियानो बजाना यूट्यूब में देख के। ये टैलेंट है, 5 मिनट में हैप्पी बर्थडे टू यू कैसे बोलते वो सीख रहा बंदा। अभी उसे दिखाई नहीं कुछ, चश्मा ही नहीं पहना। अरे सुनाई दिया, फील करो। मम्मी चल जल्दी, हैप्पी बर्थडे। चलो उधर देख, जाओ उधर, जाओ उधर, जाओ भाई ने ना अभी सीखा उसने YouTube। बाल पे मत मैं जाजी के लगा अपने। प्यार से तुम गाल पे लगाएंगे
फिर हम पूरे बताएंगे साढ़े चार बज गए हैं और हम लोग निकल रहे हैं कहीं के लिए। ये मैडम, हाँ जी, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। आज हरा तोता लग रही है। हरण प्रांत चिरपत माने जीवाले स्थानांतर तुम्हारा लोग क्षेत्रों के ब्रह्म सुर का संभाग द्वार गोत्र पुण्य चतुर्थी से मत 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 करा तुम तो धर्म पत्नी चिंदी सुन तो ले। ये मफलर लेके कहाँ जा रहा है? मफलर किसी गुफा के अंदर ध्यान लगा दे क्या? पहाड़ों में ले जा घुमाने के लिए। तो फाइनली रेडी हो गए हैं, साढ़े पाँच बज गए। वाह काजल वाह जाते ही वाह चंडीगढ़ क्या तो कहाँ जा रहे हो तुम बताओ? जंगली रास्तों में चंडीगढ़ हम जा रहे हैं। ये है चंडीगढ़ का रास्ता। चंडीगढ़ का रास्ता बदल चुका है भाई। तुम्हें हम जा रहे हैं देहरादून काटू भाई के पास। चलो लेट्स गो। स्टोन निकाल दो है उसमें नीड नहीं है। अब तो धूप आ जाएगी, ठंड लग रही है। मैंने कहा था रख लेना कुछ। तो मुझे क्या पता तुम्हें ये बोलना चाहिए था ना जाएंगे इधर। इधर क्या तो देहरादून चंडीगढ़ एक ही बात है। पता लग गया इसको कोई बात नहीं। ये भाई मेरा लेट्स गो। सो हूँ असी पहुँचे हाँ पौंटा साहिब। पौंटा साहिब में ये तुसी देखते पे हो डैम। सानू नहीं पता एदा ना की है बट नहीं सानू पता नहीं बट नू की बोलते ने पंजाबी च। सो मेरे पिछों तुसी देखते पे हो डैम। पहली बार मैं पंजाबी च गल करन लगिया। गढ़वाली भी नहीं कर रही गढ़वाली भी नहीं कर रही है भाभी। मैं ना अभी पंजाबी में बात कर रहा हूँ लेकिन मैं पता क्या बोलूँ। पहली बार असी पंजाबी च गल करन लगिया गढ़वाली ओ तो हूँ असी बोलते प्या गल करने प्या प्यार नॉर्मल ठंडे ठंडे पानी तो सानू अच्छा लग रहा पिया तो हूँ मैं ऐ दोनों की फोटो खींचता पिया रुकिया हुणी मैं आंदा तो हुण असी आ गए हैं मैगी खान हुण असी पहुंच गए मैगी खान खान और काजल भी आंदी पई है यक और भेजी भी जांदा पिया तक और हुण असी बड़ा वधिया नज़ारा दिखता पिया है सानू है बहुत नाइस नज़ारा दिख रहा है। अलग लग रहा है ये मुझे जंकयार्ड टाइप का है काजल थोड़े जंकयार्ड टाइप नहीं लग रहा उन्होंने वैसी थीम ओ बो ये बहुत शरीफ होता है हस्की पकड़ियो फिर वो नहीं पकड़ियो काजल प्यार करियो सिम्बा नो बेबी नो सिम्बा डर दी पई है तू आओ बेबी नाइस व्यू I liked it. I really liked it.
डिफरेंट एकदम वाइब्स आ रही है। हाँ भाई हम पहुँचे हैं इस रेस्टोरेंट। दो मैगी कर दो। क्यों? स्पाइसी थोड़ा सा ना। दो क्यों? चार को डालो। पहले देख लेते ना टेस्ट वगैरह। तो फाइनली ये जगह चाहिए हमें जहाँ पे पहाड़ों में खाया जाता है। काजल तो तेरे पता चल गया हम कहाँ जाना है? मनाली। तुम्हें पता चल गया हम कहाँ जा रहे हैं फाइनली? मनाली। कैसे पता चला तुम्हें? भाई ने बोला। नाइस। क्या लगता है हम मसूरी जा रहे हैं मनाली? ये रूट तो मनाली का है। सही आ रखे हो तो मनाली हैं? कब आए? उसके बावजूद कह दी ये रूट मनाली है। देखो एक जैसा लगता है पहाड़ों का, मुझे क्या कर लूं मैं? ये कंटा सारी घुमा देते हैं इसे ऊपर जो ऊपर जो फाइनली मेरे को तो बस आ गई या कर कितने यम्मी लग रहे हैं। और दादा सैंडविच है फिर एक मैगी खा के बताएं एक और बनानी है? बता ना जरा खा के जल्दी से बता रहे हैं। फिर रुको मैगी हैं कितनी? एक नंबर दो नहीं नहीं सैंडविच किया दादा। सैंडविच बना लिया आपने? पंचे लग रहे हैं। क्या कह रहे हो तुम? बोलो भाई। देखो बाथरूम मेरे को तो मेन होटल में बाथरूम चाहिए होता है। अच्छा हाँ यही था मेन। वो फाइनली हम पहुंच गए हैं मसूरी। और हाँ क्या कह रही थी तू? तो हम लेकर आए कुछ सूट में पहन के जाऊं। तो मैंने तो ये दो तीन स्वेटर भी इसलिए रखी कि मतलब चुपके चुपके कि तू जैसे मंदिर वाले कमरे में जा रही थी तो तुम रख लेते ना मेरे को थोड़ी मैं देखती थोड़ी हूँ तुम्हें भी पता है। शूज रख लेते मेन मेरा बताओ मैं कैसे करूँगी। तो मुझे लगा तुम देख लोगे तुम्हें पता चल जाएगा हम कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे। देखती ना मैं अंदर कपड़ों के अंदर दबा के रखते मेन तो शूज था। बहुत चिल्ड हो रहा है अभी ठीक है पैर में ऐसे जमीन में भी रख रहा हूँ ना पूरा चिल्ड मार रहा है ठंडा एकदम बहुत एक्सट्रीम गंदा ठंडा मार रहा है ये मुझे। उसके बाद फिर कंटिन्यू करते हैं उसके बाद अभी हम निकलेंगे अगर चलना है घूमने के लिए एडवेंचर आइलैंड फिर शाम को बंद हो जाएगा। उसने क्या चाहिए यार कैसे करूंगी बैली इज फाइन। अरे ले यहाँ से चलो ठीक है चलो चलते हैं फिर।